हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप में से किस किस ने इस वाली रेसिपी को ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी जाओ इसे ट्राई करो, और जिस जिस ने इसे ट्राई किया है कमेंट करके ज़रूर बताना आप में से किस किस को ये रेसिपी पसंद है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गर्मियां आते ही बाज़ार में आम बहुत मिलते हैं, तो कच्चे आम की कैरी किसे नहीं पसंद है। हम सबको बहुत पसंद है कच्चे आम की कैरी, तो मुझे ये मार्केट में दिखा तो मैं तो इसे झटपट लेकर आई। तो मैंने सोचा चलो कच्चे आम की कैरी बनाते हैं, वो भी घर पर जुगाड़ो तरीका से, और आप लोगों के साथ इस रेसिपी की वीडियो भी शेयर करते हैं। तो मैं दो आम लेकर आई। सबसे पहले हमें आम को कट कर लेना, तो मैं यहाँ सबसे पहले इसे कट कर लूँगी, पतले पतले स्लाइस में इसे कट कर लेना। उसके बाद आप इसे पिल ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप आम को सबसे पहले छील भी सकते हैं उसके बाद इसे कट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ इसे सबसे पहले कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। उसके बाद इसके जो गुठली है उसे मैं साइड में रख दूँगी, और पतले पतले स्लाइस में मैं सारे आम के जो गुद्दे हैं उसे मैं निकाल लूँगी, और इस तरीके से मैं छील लूँगी। एक को मैं सबसे पहले इस तरीके से लंबे लंबे कट करूँगी, और दूसरे स्टाइल में मैं छोटे छोटे कट करके स्टिक में स्टिक कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ एक ग्लास लूँगी। सबसे पहले ग्लास में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। इन सबको डालने के बाद हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। एक एक करके कच्चे आम की कैरी को हमें इसमें ऐड कर देना है, और घर पर एकदम जुगाड़ू तरीके से मैं इस कटोरी की मदद से इसे शेक कर लूँगी। इस तरीके से हमें इसे शेक कर लेना है। उसके बाद कटोरी को हटा के ये देखिए बिल्कुल बाजार की जैसे हमारे कच्चे आम की कैरी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब एक प्लेट में इसे डाल दो, और गर्मियों के टाइम में खट्टी मीठी इस कैरी की मजा लो, वो भी घर पे बिल्कुल जुगाड़ू तरीका से। एक बार इसे आप लोग ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही मज़े आएंगे। मैं तो इसे मज़े लेकर खा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए चलो बाय।